गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सीधे मुक्तेश्वर की घाटी और ये सनराइज। सुबह के बज रहे हैं 6:30 और सूरज चमक रहा है बहुत बढ़िया सा, और मौसम है खुशनुमा। कल बारिश हुई थी दिन में, बहुत मूसलाधार 1 घंटे के लिए, उसके बाद और सब साफ हो चुका है यहाँ। बाकी आजकल थोड़ा सा बिजी हूँ मैं होम स्टे में गेस्ट अटेंड करने में, तो ब्लॉग नहीं मेरे बन पा रहे हैं। आज सोच रही थोड़ा अपना डेली रूटीन का ब्लॉग बनाऊं कि क्या मेरा वर्क है, दिन भर बिजी बिजी बिजी। तो अभी नीचे भैया किचन में तैयारी कर रहे हैं नाश्ते की। नाश्ते में बनने वाला है आज, नीचे के गेस्ट हैं, आज दोनों ही गेस्ट लखनऊ के हैं, दो रूम ऊपर हैं, दो रूम नीचे, तो सब लखनऊ के हैं। तो आलू टमाटर की सब्जी पूड़ी और बन रहा है ऑमलेट एंड रोटी, ये ऑप्शन है। बाकी चाय ब्रेड टोस्ट, तो भैया तैयारी कर रहे हैं। अब मैं जाती हूँ भैया की थोड़ी सी हेल्प करने के लिए। तो आज के ब्लॉग में बने रहिए, मैं दिखाती हूँ दिन भर रात तक मेरा क्या काम रहता है। Stay tuned. अब हम किचन में आ गए हैं, इसमें आलू चल रखे हैं, चाय दे दी है, ये बनी है आलू टमाटर की सब्जी लोहे की कढ़ाई में, और बाकी तैयारी अभी हो रही है। हेलो, बाकी सब चॉपिंग वॉपिंग रेडी हो रहा है। फाइनली नाश्ता कंप्लीट हो गया, अब गेस्ट जा रहे हैं साइट विजिट पे, भीमताल वगैरह जा रहे हैं। एक गेस्ट नीचे स्टे कर रहे हैं, हो सकता है उनका दिन का लंच वंच हो, तब देखते हैं क्या बनता है। फिलहाल अब थोड़ा फ्री होके उसके बाद का काम शुरू करते हैं और आगे का कार्यक्रम चालू करते हैं। ओहो, मेरे स्पीड को क्या हो गया, आज इतना इसमें लोड हो गया इस फूल का, इसको कुछ सपोर्ट देना पड़ेगा। 1, 2, 3 डंडे कंप्लीट हो गए इसके। इसके लिए लकड़ी अरेंज करती हूँ, कल बारिश हो रखी है और उसके बाद पेड़ों का बहुत अच्छा हाल हो रहा है नीचे। और ये एक नया फ्लावर खिला है, ब्यूटीफुल सा, और लगी यहाँ पे मिर्ची। ओहो, बीन्स में भी बीन्स आ गई है, देखिए ये लगी है मेरी बीन्स, बस थोड़े दिन में रेडी हो जाएगी। ओह नाइस, और अच्छा हो गया। अब बहुत जल्दी ही इस बीन्स की सब्जी खाएंगे। एक मक्के का पेड़ और का मक्का अभी लगाना है, आलू को उखाड़ना है। यहाँ 2-3 दिन से बिजी हैं हम लोग, इतने गेस्ट आ जा रहे हैं ना, तो गार्डन के लिए टाइम नहीं मिल रहा है। परसों इसमें पानी डाला था मैंने, लेकिन कल बढ़िया बारिश हो गई, तो ये सब टमाटर के पेड़ हैं और ये मिर्ची है और इधर लग रखी है गोभी। सेब में मेरे बस 2 सेब रह गए, एक तो भी लास्ट वीक गेस्ट आए थे उनके बच्चे ऊपर गार्डन में आ गए थे, तो उन्होंने 1 सेब तोड़ दिया, फिर एक बचा खुचा सेब मेरे बच्चे ने तोड़ दिया। ये देखिए बीन्स, बहुत बढ़िया बीन्स में बीन्स आ गई है, और ये है गोभी की सब्जी, सॉरी गोभी का पेड़। यहाँ पे डाल रखी है मूली डाली है, ओहो मूली भी आ गई बाहर, ये पूरी मूली डाली है। और यहाँ कॉर्नर में भैया ने डाली थी भिंडी, लेकिन अभी भिंडी क्या, ये भिंडी का पेड़ है, 1-2 दिन में पता चलेगा। बाकी आलू उखाड़ने वाले हो रहे हैं बस, लेकिन अभी गेस्ट की वजह से ना बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता है। मेरे ब्यूटीफुल से रोज, सिंगल पेटल रोज, धनिया के बीज रेडी हो गए हैं, 1 दिन इनको भी उखाड़ के सुखाने का है। आलू उखाड़ने वाले हो रहे हैं,
टाइम नहीं है। आलू का फूका, आलू के ऊपर बीज जैसे आ गए, टमाटर जैसे आ गए। ये है मेरे गार्डन के फ्रेश फ्रेश बीन्स। इसमें फ्लावर्स है वहाँ पूरा, ये एरिया पूरा बीन्स का। और अब होगी एक साथ बहुत सारी बीन्स। बादल आ गए, फिर से बारिश हो। फाइनली मेरी येलो लिली, वाइट लिली खिल गई है, और रेड वाली तो एक आज पूरा चढ़ गया है। ये रह गया लास्ट। अब इनकी जो ये स्टिक है इसको यहाँ से कट कर दो, फिर कट करके इसको जो इसका सीड है वो इसी गमले में पड़े रहने देंगे, नेक्स्ट ईयर फिर से उसमें खुद ब खुद पेड़ आ जाएगा। मेरा झूमर देखा होगा आपने इसका वीडियो। नाइस। शाम के बज रहे हैं 6:30। आज थोड़ा गेस्ट का खाना है भांग की चटनी, तो मैं जा रही हूँ थोड़ा पुदीना तोड़ने। अभी भांग मेरे पास है, ये है धनिया है, ये है, ये है पुदीना। यहाँ तोड़ने से नहीं आएगा, ऊपर जाना पड़ेगा खेत में। मौसम बन रहा है बारिश का, दिन में एक बार हल्की फुल्की हो चुकी है। और बहुत तेज हवा चलने वाली है। ओह ये आई खूब ठंडी तेज हवा। अरे हवा का ये देखिए, ये देखिए, OMG हवा का आप स्पीड देखिए। फटाक से तोड़ लूं फिर भागना पड़ेगा यहाँ से, तेज हवा चल रही है। पीछे है पेड़। आप मेरा फ्राइड राइस भी टॉपिंग करके रख दीजिए। गाजर, शिमला मिर्च, इसको सब्जी निकाल लो, इसको तो नहीं निकाल लेंगे। ये रहा, ये क्या के लिए है? ये चिकन के लिए। चिकन के लिए आप क्या किए? चिकन के लिए सब रेडी है। चिकन के लिए कुछ नहीं चाहिए। आप बस फ्राइड राइस करना भी और 8 नंबर में बता दीजिए। मैंने सिर्फ गाजर, प्याज, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी और डाल दीजिए, और लहसुन, अदरक, मिर्चा फाइन चॉप कर दीजिए, वो फ्राइड राइस के लिए और चिली पनीर के लिए चॉप कर दीजिए। हाँ क्या? लहसुन लहसुन
ये हमारे गेस्ट हैं लखनऊ से। लखनऊ में सर कौन से एरिया में है? मैं अली नगर। और मैम आपका? सीतापुर बख्शी का सीतापुर। आज हमने इनके लिए बनाई है मडवे की रोटी, भांग की चटनी और भैया ये क्या है, आलू की? आलू टमाटर की सब्जी। नहीं, इनका कुछ अलग नाम है। भैया क्या बोलेंगे इसको? आलू पराठा। कुछ बोलते हो आप? आलू का, आलू टमाटर का झोल। आलू झोल, आलू टमाटर का झोल। हाथों का कमाल है, क्या बात है। ये सब्जी, ये सब्जी मैम भैया की स्पेशलिस्ट है। बहुत मस्त सब्जी, हम तो दो तीन दिन से यही खा रहे हैं। ये भांग की जो आप भांग की चटनी, भांग की चटनी जिंदगी में पहली बार हमने सुनी। पहले तो भांग से डर लगता था, लेकिन आज हम इसको खुद ही खा रहे हैं, भांग की चटनी। भांग ये ठंडियों में फायदा है मडवे का। ये कुछ कुछ बाजरे जैसी स्वाद। हाँ, बाजरे जैसा है लेकिन थोड़ा सा अलग रहता है, लेकिन सेम फैमिली, सेम कह सकते हैं। इतने में जो सब्जी आपने बनाई है, ज्यादातर मैं होटलों में पसंद नहीं आता है, लेकिन मैं यहाँ आया हूँ सवेरे। आपने कल दाल खिलाई थी, दाल तड़का मिक्स वेज और मिक्स वेज थी, तो दाल तड़के जो टेस्ट था वो मुझे कहीं बाहर मिलता, घर के अलावा नहीं कहीं बाहर मिला आज तक। लेकिन जैसे मेरे घर में बनता है वैसे ही आपने बनाया है। थैंक यू सर, थैंक यू। आज आपने जो ब्रेकफास्ट में आलू टमाटर की, आलू की सब्जी और रोटी, आपने पूरी कहा था लेकिन हमने रिक्वेस्ट किया आपसे रोटी के लिए, तो आपने मेरी बात मानी और एक पूरी रोटी खिलाई, क्योंकि हमें थोड़ा सा शुगर है इस वजह से रोटी पसंद करते हैं। सब्जी का टेस्ट इतना अच्छा है कि हम लोग बहुत पसंद है, ताजा होता है। कि कैसे ये लोहे की कढ़ाई में, एक तो हम लोग बनाते हैं इसको, एल्युमिनियम में नहीं बनाते जैसे नॉन वेज होता है, या ये आलू वगैरह लोहे की कढ़ाई में मीठापन बिल्कुल नहीं लगता। ये यहाँ का लोकल आलू है, यहाँ आपको मीठा, अब लखनऊ जाके आप खाएंगे ना तो वहाँ जो अभी गर्मियों में आता है वो मीठा आ जाता है। यहाँ का नया आलू है ये है, पहाड़ी का। पता ही लगता है कि मैं घर से बाहर हूँ। थैंक यू सर, इतना स्वादिष्ट हो। और आपका व्यक्तिगत बिहेव बहुत अच्छा है। थैंक यू सर। आप चिकन करी और तंदूर पनीर चिली, इसके साथ बनेगा फ्राइड राइस। एक गेस्ट खा चुके हैं, नेक्स्ट गेस्ट खा चुके हैं, और एक गेस्ट ऑन द वे हैं, उनका ऑर्डर आ चुका है रस्ते से ही, फ्राइड राइस और पनीर चिली का। तो वो मेरा रेडी है। चखे की मतलब पक गया है, जैसे ऐसे बिल्कुल पक गया, मतलब अंदर तक नमक गया है कि नहीं? नहीं, ऐसे मैम, ऐसे कि हमने वहां छेद तोड़ कर रखे तो ऐसे नहीं जाएगा। कितनी? 15 हो आपने क्या कर लिया? 5 मिनट की पॉपकॉर्न का थोड़ा गर्म कर दूं क्या? चिकन हाँ, खोला देखो, बढ़िया। बड़ा लाइटर तो बड़े निशान है ये, सही हो रहा? मुझे, मैंने तो नहीं समझ रहा, मैंने कहा ये निकल गया था, ये फटे से गया था तो बाहर ही आ गया। तो आजकल गैस वाला भी तो जा रहा है, कुकर वाला सही कर रहा है? करता होगा, नहीं करता होगा? हाँ करेगा। तो मैम सुविधा के लिए शहर और स्वास्थ्य के लिए पहाड़, और कुछ नहीं। सुविधा के लिए पहाड़ी है मैम, नहीं वो प्लेन है। और फाइनली मेरा चिकन बन चुका है, हैव अ लुक। लोहे की कढ़ाई में बढ़िया सा चिकन, ये देखिए रोगन इसका, मस्त बिल्कुल। हे गाइस, 11:30 बज गए हैं रात में,
और आज का काम ख़त्म हो गया है। डिनर वगैरह सब हो चुका है, किचन क्लियर हो चुका है। हम लोग भी डिनर करके अब छत पर आ गए हैं। हस्बैंड के दोस्त आ रखे हैं लखनऊ से, तो वो नीचे अभी बातें कर रहे हैं। हम लोग आ गए हैं आज ऊपर, और सामने का मौसम देखिए, सामने का मौसम क्या कहेंगे, नज़ारा देखिए। ये सारे घर हैं, इनके बाहर लाइटें टिमटिम आ रही है, पता नहीं चल रहा है कहाँ आसमान शुरू हो रहा है और कहाँ ज़मीन। ये टिमटिमाते हुए तारे ये आसमान में, बहुत खूबसूरत व्यू और बहुत बढ़िया मौसम, बहुत सुंदर सुहाना मौसम। मेरे फ्लैग उड़ रहे हैं हवा में। फिलहाल आज के ब्लॉग में इतना ही। अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा। बेल आइकन दबाइए जिससे आने वाले सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। तब तक बने रहिए मेरे चैनल पे और खुश रहिए। जय गुलजू।